नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं ज़ुबैर जाफरी। जी हां दोस्तों, तो आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही डेंजरस भी है ना। तो वैसे तो कई जो एक्टिव फाउंडर, मैं बार बार बोलता हूँ, जो एक्टिव फाउंडर हैं उन्हें तो ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, लेकिन हम फिर भी जो अपने माध्यम से जो है ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसा कि आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर जो आप देख रहे हैं कि एक है गो फाउंडर ऐप के नाम से, आप जाएंगे अगर प्ले स्टोर पर तो ये जो है सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप यहां जैसे ही जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार वाकई में कि बिल्कुल ऑफिशियली साइड बिल्कुल ऑन पैसिव की या गो फाउंडर की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। ये 101% फेक है, टोटली फेक है, और कंपनी की तरफ से इस पर कोई वो आया नहीं है कि ये ऑफिशियली हमारी कहीं से जो है हमारा ऐप है, बिल्कुल नहीं। कंपनी ने कहीं से कहीं तक भी है ये चीज़ जो है लॉन्च नहीं की है। और इसके जो आप साइज देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, कोई भी जो भी फेक ऐप होगी उसका सबसे माइनस पॉइंट ये होगा कि वो जो है ऐप बहुत ही कम एमबी की होती है। जैसा आप देखेंगे उसमें 2.5 MB ओनली, बहुत कम होता है, जबकि नॉर्मली जो साइज़ होता है एक परफेक्ट साइज़ जो होता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि वो कम से कम 10-15 MB का, 20 MB का होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका 2.5 MB का है, मतलब ये 100% फेक है। अब आप ये सोचेंगे कि इसको डाउनलोड करने से होगा क्या। देखिए कई महानुभाव लोगों ने हमारे जो है इसको बिना कुछ जाने सोचे समझे जो है इसे डाउनलोड कर लिया। अब हुआ क्या कि सबसे बड़ी क्या है कि आपको 100% चांस है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका कहीं ना कहीं आईडी जो है हैक हो सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि इसका रीज़न यह भी है, कुछ लोगों ने क्या किया कि इसे डाला, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के देखा, तो क्या हुआ कि उनका ऑटोमेटिकली जो है वो पासवर्ड चेंज हो गया। तो अगर हो भी गया तो तुरंत रिक्वेस्ट है आपसे, तुरंत जैसे ही हुआ उसे तुरंत जो है फिर से जो है अपना यूजर आईडी पासवर्ड नया बना लीजिए, और गलती से भी इस साइट पे मत जाइए क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। कल को अगर आपकी आईडी हैक हो गई या कुछ भी हो गया ना, तो इसका जिम्मेदार ऑन पैसिव नहीं है, आपकी अपलाइन नहीं है, और कोई बंदा नहीं है, उसका जिम्मेदार आप खुद हो। जब तक ऑफिशियली कुछ घोषणा ही नहीं हुई है, जब ऑफिशियली जब आप पता ही नहीं है आपको कि ऑन पैसिव ने ऐसी कोई ऐप लॉन्च करी है, तो आप उसे क्यों जा रहे हैं और उसे क्यों डाउनलोड कर रहे हैं, बिल्कुल मत जाइए, उसे खोल के मत देखिए, इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि 100% फेक है, ध्यान दीजिएगा। तो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रही हली बात है ना। क्योंकि अभी आप एक चीज़ और मैं यहाँ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा, कई लोग बोलते हैं यार इसने पे प्लान लॉन्च क्यों नहीं किया कंपनी ने, अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपनी आज तक पे प्लान लॉन्च नहीं कर रही है या नहीं करेगी। तो उसका देखिए सबसे बड़ा रीज़न यही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि देखिए आज यहाँ पर सिर्फ ऑन पैसिव गो फाउंडर ही इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो गई हैं कि इसकी लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि अब ये जो ऐप आई है कितनी डेंजरस है। अब पे प्लान कंपनी लॉन्च क्यों नहीं कर रही है, तो लोगों का भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो पे प्लान इसीलिए लॉन्च नहीं हो रहा है दोस्त, क्योंकि जब तक पेटेंट नहीं हो जाएगा कंपनी का पे प्लान, उसके बाद में ही कंपनी ये लॉन्च करेगी, लॉन्च के कुछ दिन पहले। तो कंपनी लॉन्च होने के कुछ दिन पहले ही पे प्लान लॉन्च होगा, क्योंकि इसके कॉपी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, बहुत सारे लोग इसको कॉपी करने के लिए बैठे हुए हैं। जब गो फाउंडर और ऑन पैसिव को लोगों ने छोड़ा नहीं है, देखिए आप ऐप में देख सकते हैं, ऐप बना ली और इतनी परफेक्ट लग रही है कि कई बंदा आएगा और देखेगा अरे वाह ये तो कमाल है, वो तुरंत डाउनलोड करेगा। सर क्यों डाउनलोड करें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं डाउनलोड करना है, क्योंकि इसमें 100% रिस्क है, ध्यान रखिए। और आपको रिस्क फ्री रहना है तो प्लीज जो है कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो गूगल पे जाइए, आप लिखेंगे onpassive.com तो आ जाएगा, और गो फाउंडर की साइड में आप जाएंगे तो gofounder.net, ध्यान दीजिएगा, gofounder.com नहीं, gofounder.net, यही सारी जो है ऑफिशियल साइट्स हैं। इसके अलावा जितनी भी हैं वो 100% उसमें बिल्कुल आप विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना बहुत ही रिस्की हैं, और कहीं से कहीं तक जो है प्ले स्टोर पर किसी भी तरह का कुछ भी जो है कंपनी ने जो है नहीं ऐप बनाई है, ये 100% फेक ऐप है। तो प्लीज़ इसे बिल्कुल 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 मत डाउनलोड कीजिए, और ना ही अपने जो है टीम में कहीं ना कहीं शेयर कीजिए। अब कई लोगों को, कई लोगों ने देखा कि ग्रुप में और इसमें जो है फेसबुक ग्रुप में फलानी जगह लोगों ने देखा कि ये कौन सी ऐप आ गई है, देख ली है, उनको लगा रही है तो प्ले स्टोर पर आ गई है, उन्होंने तुरंत उसे डाउनलोड कर लिया, लेकिन उन्होंने नीचे ये नहीं पढ़ा है कि डोंट डाउनलोड, इसे डाउनलोड नहीं करना है भाई, और लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया और उनका नुकसान उनको भुगतना पड़ सकता है। तो प्लीज़ उसको डिलीट कर दीजिए, बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आपका पासवर्ड वगैरह हैक हो गया तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो मुझे यही कहने था, सिर्फ इतना कहने के लिए आज आना पड़ा है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू मेरे चैनल को देख रहे हैं, और ऐसे ही हम कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन होंगी, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी हम आप तक पहुंचाएंगे।